हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सभी का स्वागत है हमारे व्लॉग में। क्या है खुशबू? समोसा। सो गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे सारे लोग चले गए हैं और अभी हमारी समोसा पार्टी हो रही है। सो आज का दिन बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं, इसीलिए बोलो। यहाँ तो गिरा ही चटनी जो है नीचे रेलम छेलम हो रही है और लास्ट एंड तक बने रहेगा, फिलहाल एंजॉय करेंगे। तो गाइस 11 बज गए और जोड़ियों में हम घूम रहे हैं, अभी शॉपिंग करने निकले हैं वापस। और टी शर्ट एक दो लिए हैं, सैन ने एक दो मैंने लिए हैं, अभी देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ और फिर जाएंगे आगे। आज बहुत सारी शॉपिंग करना है, घूमना है, थोड़ा बहुत टहलना है, देखना है, देखते हैं आगे क्या क्या शॉपिंग होती है। साइज है भाई सैन की, दिखाओ तो भैया, मतलब कितनी साइज देखो। ओह भाई क्या बात है सर। तो गाइस अभी यहाँ पे भी आ गए घूमते घूमते और मैं अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं और देख रहे हैं कौन सा टी शर्ट अच्छा है, शर्ट अच्छा है। बहुत सारे टी शर्ट ट्राई किए हैं, शर्ट भी ट्राई किए हैं अलग अलग। और आज शॉपिंग बहुत सारी होने वाली है सब जगह से। यहाँ पे शॉपिंग ऊपर शॉपिंग आ रही है। तो गाइस हमारे नहीं करनी है, कितनी हो जाती है पता ही नहीं चलता है। बहुत ही लंबा चौड़ा बिल बन गया है और मेरे को जाना है आज ही गांव और एक दिन के लिए जाना था, लेकिन शॉपिंग मैंने शॉपिंग लग रही है कि 10-15 दिन के नहीं करना था। ऐसे कर करके सब जगह पे घूमते घूमते दो दिन से लगातार घूम रहे और मस्त मस्त देखो, कभी नहीं लिए ऐसे ऐसे कपड़े लिए हैं, मस्त मस्त टी शर्ट लेते ही। और इस बार थोड़ा हैवी में चल गए हैं, हैवी मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैवी में चल गए। ये जीन्स का पैंट, आज तक मैंने इतना महंगा जीन्स का पैंट नहीं पहना है, आपको मैं रेगुलरली बता रहा हूँ और बस सही बता रहा हूँ, आज तक इतना मैं महंगा जीन्स का पैंट नहीं पहना है। आपको अंदाजा लग रहा है कितने का होगा कीर्ति? कितने का होगा अंदाजा? मेरे ख्याल से 2025 वो तो मैंने बताया इसलिए ये 2500 का मतलब 2499 मतलब 2500 का ही हुआ। 2500 का जीन्स का पैंट आज तक मेरी लाइफ में नहीं पहना है लाइफ में। और लेना इसीलिए पड़ा कि कहीं मेरी साइज़ नहीं मिलती, मतलब साइज 36 ही है मेरी, साइज़ मिल जाती है लेकिन लेंथ नहीं मिलती क्योंकि लंबाई मेरी ज़्यादा है और इसकी वजह से मेरे को सब ब्रांड की पैंट लेने पड़ेंगे। तो फिर यही अच्छा ले लिया और बहुत ही अच्छा है बॉम्बे फैशन में। लास्ट में इतनी जगह पे घूमे तब बॉम्बे फैशन में लेने मिला और कपड़े सब बहुत ही मस्त है एक एक कपड़े का और टोटल मिला के 7 से 8 हज़ार का बिल आया सब लिया। सब बिल मिला के हम देख सकते। तो आज तक हमने इतना महंगा शॉपिंग नहीं किया एक दिन के लिए, सोचो जाना है एक दिन और शॉपिंग इतना 7500। सबसे अच्छा मुझे ये कलर लगा। वेरी गुड, ये नहीं अच्छा लगा? ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा लगा। ये सब पहनूंगा तो बहुत ही मस्त दिखेंगे और आज तक ऐसा सब नहीं लिया देखो, डॉट 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 वाला मतलब ऐसा कभी ट्राई ही नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा शौक ही नहीं है, मैं नॉर्मल सिंपल ही पहनता हूँ टी शर्ट। देखो ये हर्बल लाइफ कंपनी का है। तो इस बार थोड़ा आगे चल गया हूँ और ये ऐसा भी लिया, ये तो नॉर्मल है। तो फिलहाल अभी शॉपिंग ज़्यादा हो चुकी है और अभी 2 बज गया है घूम फिर के। अभी कीर्ति खाना बनाया, मुझे लगा आप खा के आओगे इतनी शॉपिंग करके आए। गाइस खाना हमारा रेडी है, अभी खा लेते हैं भाई, पेट पूजा पहले करनी पड़ेगी। 2 बज गया है और आज अलग टाइप की भाकरी बनाई है कीर्ति ने, साथ में है भिंडी की सब्जी और दही और सलाद भी ला रही है। गुड इवनिंग गाइज, अभी फिलहाल हम रेडी हो चुके हैं, मैं ही रेडी हुआ है, कीर्ति नहीं रेडी हुई है। खुशी हाय हाय से खुश पे उठ गया है और फिलहाल हम जा रहे हैं अभी गांव और हाँ फाइनल हो चुका है। सो मैं अकेला ही जा रहा हूँ गांव और कीर्ति नहीं आ रही, और गांव इसीलिए जा रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। मेरे अंकल आंटी जो यात्रा के लिए गए थे चार धाम की यात्रा के लिए, वो यात्रा करके वापस आ गए हैं, एक दिन हो गया है और उनका स्वागत भी हो चुका है, सारा काम हो गया है। लेकिन अभी कल जो है वो सब पूरे कुटुंबजनों का सबका खाना पीना रखा है और मिलाप का रखा है, थोड़ा मिलनसार जैसा, तो सबको मिलना जाना है इसलिए मैं गांव जा रहा हूँ। और वापस मैं कब आ जाऊँगा आई डोंट नो, लेकिन अभी एक बैग लिए है, कपड़े भी लिए हैं और जल्दी पहुँचते हैं गांव। और गांव बाय रोड नहीं जा रहा हूँ,
मतलब गाड़ी चला के नहीं जा रहा हूँ, बस में ही जा रहा हूँ, तो ताकि जल्दी आना वापस हुआ तो आ सकता हूँ और सारा कामकाज भी देख सकता हूँ। सो कीर्ति खुश, बाय 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 खुशी, खुशी को पता ही नहीं पापा जा रहे, बाय बाय छोटी तो अकेले रहेगी, छोटी हैं छोटी अकेले रहेगी, ओ छोटी वीडियो को एंड कर दो मैंने, ऐसा है चलो एंड कर दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गोपाल आहिर व्लॉग्स, बाय बाय। सो गाइज आज का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे खुशियों की वजह से, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गोपाल आहिर व्लॉग्स, बाय बाय टाटा सी यू, बाय बाय खुशी, बाय बाय कर बदामी मुझकी, बाय बाय सर नहीं करेगा अभी, सो फिलहाल अभी मैं जल्दी चलता हूँ, बाय कर दो अभी, बाय कर दो खुशी, कहाँ देख रहे हैं, बाय कर दो, बाय बाय। सो भाई अभी खुशी को राउंड मरवा दिए, वो बोले राउंड मरवाए बिना मत जाओ। अभी जल्दी मैं निकलता हूँ और बस पहले तो पकड़ना है, तो बस हमारी भराचा मिलती है तो हमको वहाँ जाना पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है, इसलिए सब मगजमारी है। सो अभी भाई निकलता हूँ, कृति बाय बाय, बाय बाय सी यू, ध्यान रखना अपना, मिलेंगे वेरी सून, क्या खुशी जल्दी जल्दी निकल ली, निकल ली, बदामी मुस्की दे रही है, अभी निकलते वरना रोएगा फिर, बाय बाय खुशू, चलो कीर्ति ध्यान रखना, हाँ रो रहा है, रो रहा है। गाइस बस स्टेशन पे आ गया हूँ और अभी थोड़ी देर में हमारी बस निकलने वाली है, बहुत सारी बसें जो सौराष्ट्र जाती है, हर एक बस है यहाँ से, तो अभी थोड़ी देर में हमारी ये बस निकलेगी, तो अभी बैठ जाऊँगा अंदर, बहुत सारी बसें जो निकल रही भाई, ये सब हमारे वहाँ जाती है सौराष्ट्र साइड, और बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं और मुझे यहाँ आना पड़ता है वरासा साइड, क्योंकि वेसू में कोई बस नहीं जाती है वेसू से, और वरासा से जाती है, तो वरासा से हम बैठते हैं। गाइस अभी तो पूरी बस खाली है, कोई नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोग जाते नहीं गाँव, क्योंकि कोई शादी वगैरह नहीं होता है, इतना फंक्शन नहीं होता है, इसीलिए कोई नहीं जाता है, इसलिए देखो पूरी बस खाली है, और अभी धीरे धीरे आगे जाएगी, वैसे सब बढ़ते जाएंगे लोगों को, और हम भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं, और फिलहाल एंजॉय करेंगे, एक दिन दो दिन रहेंगे, कुछ फाइनल नहीं है, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन थोड़ी मजा करेंगे, क्योंकि खाने पीने का भी प्रोग्राम है बहुत सारे लोगों का, और अंकल आंटी आए हैं भाई सब जगह से यात्रा करके, इतनी बड़ी यात्रा बोली जाती है हमारे में, और इसीलिए ये सब होता है, तो फिर हम थोड़ी देर में सो जाएंगे और पहुँच जाएंगे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे, और कल पूरा प्रोग्राम है, कल का जो ब्लॉग आप देखोगे तो पूरे मतलब मेहमान बहुत सारे रहेंगे, गांव वाले कुटुंब वाले बहुत सारे लोग रहेंगे, सो वो भी आपको अच्छा लगेगा। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल पर नहीं आए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते गए वेरी सून नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा सी यू।